नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 3 पजल्स को 10 मिनट में करने कोशिश करने का बनाने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हर प्री के एग्जाम्स में 3 पजल्स आते हैं। तो चलिए इस 3 पजल्स को देखते हैं कि किस तरह से ट्रिकी सोल्यूशंस इसका हम लोग ले सकते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जिसे भी आप PDF मिले वो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक या पे क्लिक करके आप वीडियो के सोल्यूशंस को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग पजल्स वाला पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक बार आई से जो है स्कैन करेंगे मन ही मन बिल्डिंग 4 फ्लोर 2 फ्लैट। ठीक है, जैसे आप 2 फ्लैट पढ़िए तो ऐसे करके स्कैन कर लीजिए। तो जो जनरली पजल्स बनाते हैं जो स्टूडेंट, उनको आइडिया होगा कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि हर पजल्स में 2 फ्लैट और फ्लोर वाला होता है, तो एक ही चीज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी 4 फ्लोर को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 फ्लोर हो गया। 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या कैसे होता है। दे आर 2 फ्लोर बिटवीन बी एंड सी, बी लिव्स अबव सी एंड दे आर इन डिफरेंट फ्लोर। ठीक है, दे आर इन डिफरेंट फ्लोर, बी लिव्स अबव सी एंड दे आर इन डिफरेंट फ्लोर। ये फ्लैट 1 है, फ्लैट 2 है, फ्लैट 1 है, फ्लैट 2 है। इसमें यही लिखा गया था कि फ्लैट 1 जो है वेस्ट है ईस्ट के। तो ठीक है, तो ये बी और ये सी हो गया। ओके, ए लिव्स वेस्ट ऑफ डी बट ऑन ऑड फ्लोर। ए जो है सो वेस्ट ऑफ डी है ऑन ऑड फ्लोर। ठीक है, ये फ्लोर है, तो ए लिव्स वेस्ट ऑफ डी, ए लिव्स वेस्ट ऑफ डी हो गया। ओके, ऑड फ्लोर। एफ लिव्स इमीडिएटली अबव सी, एफ लिव इमीडिएटली अबव सी, एफ लिव इमीडिएटली अबव सी। नो पर्सन लिव टू द वेस्ट ऑफ जी, जी हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर। नो पर्सन लिव टू द वेस्ट ऑफ जी हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी कट गया। H डू नॉट लिव ऑन फ्लोर 1। H जो है सो इस पे नहीं है, तो H यहाँ पे है। तो जो एक पर्सन बच जाएगा, कौन सा बच गया, ए बी सी डी ई ई बच गया। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो ठीक है, चलिए वो इजी वाला था और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें 8 पर्सन है, दे आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो 8 पर्सन है, तो सॉरी थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लूं, मिनट। चलिए, ये सर्कल सही से ड्रॉ नहीं होता है क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड का उतना आइडिया है नहीं। चलिए ठीक है, तो दो दो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जल्दी जल्दी कर लिए। विनय विनय इज सिटिंग बिटवीन सालू ए प्लेयर एंड ए डॉक्टर। ठीक है, विनय जो है सालू एंड प्लेयर एंड ए डॉक्टर। ठीक है, तो जब इस तरह से लिख लेंगे तो इसमें एक और देख लेते हैं कि सालू विनय और डॉक्टर से कोई एक और लाइन है क्या। देखिए, तो यहाँ पे यदि हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि विनय यहाँ पे एक चीज दिया, यहाँ पे दिख रहा है। जब हम लोग इसको स्कैन करेंगे तो एक लाइन इसे पढ़ लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। आर्किटेक्ट इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ विशाल, इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं। विशाल सिर सेकंड टू द राइट ऑफ विनय। ठीक है, तो देखिए विनय यहाँ पे भी है और यहाँ पे है, तो इस तरह से ये मतलब ठीक चल रहा है हम लोग का। यहीं से इसको स्टार्ट करना चाहिए, तो विनय इज सिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे विनय इज सिटिंग बिटवीन, विनय इज सिटिंग बिटवीन सालू। ठीक है, यहाँ पे सालू ये प्लेयर है। ठीक है, सालू प्लेयर है, विनय इज सिटिंग बिटवीन सालू ए प्लेयर, सालू ए प्लेयर एंड डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर जो प्रोफेशन है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि जल्दी से काउंट हो जाए, डॉक्टर। ठीक है, और यहाँ पे एक दिया हुआ था विशाल, विशाल सी सेकेंड टू द राइट ऑफ विनय, विशाल VISHAL, विशाल सी सेकेंड टू द राइट ऑफ विनय, विनय 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 हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सालू, विनय हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सालू, यहाँ पे विशाल। तो ठीक है, तो मतलब ये डॉक्टर यहाँ भी हो सकता था और सालू यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक लाइन क्लियर कर दिया है कि विनय इज इमीडिएट राइट ऑफ सालू। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, इतना कर लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो अभी इसमें कोई पॉसिबिलिटी लेने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, बिकॉज सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट में हम लोग लिखते भी जाते हैं, बिकॉज सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पुलिस। ठीक है, बिकॉज सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, बिकॉज सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पुलिस। नीरज नीरज इज एन आर्टिस्ट एंड सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रियंका। ठीक है, तो
तो नीरज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नीरज इजन, यहाँ नहीं कहीं और लिखते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए वन मिनट। नीरज इजन आर्टिस्ट एंड सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रियंका, ठीक है। तो यहाँ पे नीरज इजन आर्टिस्ट एंड सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रियंका, ठीक है, प्रियंका, ठीक है। नीरज आर्टिस्ट एंड सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रियंका, यहाँ तक हो गया। आर्किटेक्ट इज सिटिंग इमीडिएट अपोजिट ऑफ विशाल, आर्किटेक्ट, तो ठीक है, यहाँ पे आर्किटेक्ट हो गया। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं प्रोफेशन को, इमीडिएट राइट ऑफ विशाल, विशाल एंड इंजीनियर, विशाल जो है सो ये इंजीनियर है, ठीक है, तो ये इंजीनियर हो गया, विशाल वाला हो गया, यहाँ तक हो गया। आर्टिस्ट सी सेकेंड टू द राइट ऑफ रोशनी, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब नीरज, नीरज सिट्स, नीरज जो है सो सिट्स सेकेंड, सेकेंड टू द राइट ऑफ रोशनी, तो रोशनी के सेकेंड राइट, ठीक है, रोशनी, प्रियंका के इमीडिएट राइट, तो पहले रोशनी, प्रियंका, फिर नीरज, देखिए रोशनी, तो यहाँ पे रोशनी, प्रियंका और फिर नीरज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रोशनी, रोशनी जो है मैकेनिक है, रोशनी, रोशनी, रोशनी जो है यहाँ पे मैकेनिक है, रोशनी मैकेनिक है, रोशनी, प्रियंका, यहाँ पे जो है प्रियंका हो जाएगा, प्रियंका, रोशनी, प्रियंका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, एन डबल ई लिख देते हैं, एन डबल ई आर ई लिख देते हैं, नीरज, यहाँ ये आर्टिस्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक हो जाता है। प्रियंका इज नॉट ए बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन, तो सारा का प्रोफेशन हो गया, सारी जगह ब्रैकेट है, एक जगह ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लिख देते हैं, तो ये बिजनेसमैन हो गया, ठीक है। तो ये वाला तो हम लोग इन्फॉर्मेशन को यूज कर लिए हैं, अब हम लोग का क्या बोल रहा है, विकास सिट्स, विकास, तो एक के एक 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 विकास, विकास सिट्स, विकास सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पुलिस, ठीक है, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पुलिस, विकास, ठीक है। तो ये प्रियंका को यदि हम पुलिस करते हैं, पुलिस करते हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे विकास हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से विकास हो जाता है। और जो एक बच गया, एक कौन सा बच गया हुआ है, तो एक बच गया हुआ है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो ऐसे पजल में टिक लगाना चालू कर देंगे, इतना बन गया, तो एक जो बच गया वो पुनीत बच गया, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग पुनीत को कर देते हैं। तो ये देखिए इतना जल्दी जल्दी इस तरह से हम लोग सेकंड नंबर पजल्स को कर लेते हैं, ओके, अब हम लोग थर्ड नंबर पजल्स पे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पजल्स पे करते हैं, सबसे लास्ट नंबर पजल्स पे हम लोग चलते हैं। देखिए 8 पर्सन दिया हुआ है और 8 फ्लोर दिया हुआ है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग 8 पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लिए, ठीक है, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, तो जे लिव्स ऑन फोर्थ नंबर फ्लोर, जे लिव्स ऑन फोर्थ नंबर फ्लोर, जे लिव्स ऑन फोर्थ नंबर फ्लोर, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड ओ, तो ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड ओ, 1 और 2, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड ओ, ओ ओ ओ, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड ओ, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड एल, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड एल, अभी तक कोई डबल ट्रिपल पॉसिबिलिटी का काम नहीं पड़ा। एम लिव्स इमीडिएटली अबव के क्यू, एम लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, एम लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, एम लिव्स ऑन इवन फ्लोर, एम लिव्स ऑन इवन फ्लोर, ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड एन, तो यहीं पे एक ड्रॉ कर लिए, सॉरी क्यू एंड एन, 1 मिनट, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड एन, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड एन, आगे पीछे हो सकता है, क्यू एंड एन, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड के, ठीक है, ये भी आगे पीछे हो सकता है, एम के, एम के डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, तो के डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, तो के तो यहाँ पे होगा नहीं, तो के को यहाँ पे कर दिए हैं, देखिए तो एम 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 यदि यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, 1 मिनट, एम यदि यहाँ डालते हैं तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और इसका एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, बनाने के लिए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एक और इसका पॉसिबिलिटी बना लिए और एम यहाँ पे डाल दिए, और देखिए क्यू यहाँ पे डाले, एम क्यू यहाँ पे डालते हैं तो के यहाँ पे चला जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्यू को यहाँ और एम को यहीं पे डालना पड़ेगा, तो ये वाला पॉसिबिलिटी कट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम को जो है इवन पे रखना है, एम को यहाँ पे रखना है और क्यू को यहाँ पे रखना है, तो क्यू को यहाँ पे रखना है, तो एन यहाँ पे हो सकता है बट के नहीं हो सकता है, एम और के बीच में एक है तो ये नहीं हो सकता, तो इसको कट कर दिए, एम और के बीच में एक हो जाएगा,
ठीक है, और क्यू और एन के बीच में एक हो जाएगा, क्यू और एन के बीच में एक हो जाएगा, जो एक और बचा, एक और कौन सा बचा कि पी, पी बच गया, तो पी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से ये पजल्स को भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो काफी इजीली पजल्स था, इसी टाइप का आपको एग्जाम में रहता है, बट प्रेशर्स के कारण हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, क्वेरी भी पूछ सकते हैं। तो ये मेरा मेल आईडी है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़े रहिए, क्योंकि छोटी छोटी अपडेट एग्जाम से रिलेटेड मैं टेलीग्राम पे ही देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और चैनल से भी जुड़े रहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, थैंक यू।